दोस्तों हियर और हमारे में पावर्ड गया है काफी इंटरेस्टिंग मशीन है, है जल्दी से लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को हम करते हैं इसी को अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस नए नए आई मैक का नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु चलिए शुरू करते हैं देखो यार एप्पल की जो पैकेजिंग है ना इट्स ऑल अबाउट अटेंशन टू डिटेल मतलब किस तरीके से पूरा बॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है इट्स फेंटास्टिक टू सी जल्दी से अनबॉक्स करते हैं देखते हैं क्या बात है ये इधर गया वो उधर गया ओके और इसको हमने निकाल के रखा यहां पे अंदर हमारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग सामान है क्या बात है मजेदार ये जो है ना हमारे पास में दिस इज द टॉप एंड मतलब द हाइएस्ट एंड कॉन्फिग्रेशन ऑफ दिस आई मैक और हमारे पास में साथ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं शो यू वन बाय वन तो सबसे पहले ऑफ़ कोर्स आपने देखा इधर आई मैक इसको हम बाद में अनरैप करते हैं तसल्ली से फिर हमारे पास में है ये इस कलर में ये द एप्पल का मैजिक कीबोर्ड विद न्यूमेरिक पैड विद टच आई डी एवरीथिंग इन वन प्लेस लड्डू पीले कलर में बहुत अच्छा लग रहा है वाओ 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 और फिर हमारे पास में है इधर ये नाइस मैजिक माउस अगेन इन द सेम फील काफी अच्छा फ्लेवर है फिर हमारे पास में इधर एक और चीज है बाय द वे द ट्रैक पैड जहां पे आप अच्छे से अपना सारा काम कर सकते हैं फिर हमारे पास में है एक ब्रेडेड सी टू लाइटनिंग केबल देन वी हैव दिस इज द पावर ब्रेक आप इसको कुछ ऐसे अटैच कर सकते हो बड़े आराम से इजिली फॉर योर पावर नीड्स फाइनली वॉट वी हैव इज दिस एप्पल स्टिकर लुक्स रियली गुड तो गाइज ये है पूरा सिस्टम और अगर मैं आपको दिखाऊं इस आई को ओपन करके ओके एंड हेलो लिखा है कलर इज फैंटास्टिक और दिस इज द ऑल न्यू एप्पल आई मैक लेटमी कनेक्ट इसको ऑन करते हैं फिर देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है

ट आई डी वाला की बोर्ड भी है और ट्रैक पैड भी है तो मतलब आप समझ लो कि यह सारा कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद में आपका कंप्लीट पैकेज बन जाता है हमारे पास में ट्वेंटी फोर इंच 4.5 के रेटिना डिस्प्ले है मतलब इट्स सो फैंटास्टिक आपको बहुत अच्छे से इसको यू नो एंजॉय करने का मजा मिलेगा जब आप इसमें कुछ भी कंटेंट uh, देखते हैं आप अपनी एडिटिंग करते हैं यू वर्क ऑन डॉक्यूमेंट तो काफी हाई रिजोल्यूशन हाई क्वालिटी डिस्प्ले आपको मिलता है एंड लुक एट दिस प्रोफाइल मतलब इतना ज्यादा स्लीक आपको पूरा ही सिस्टम मिलता है यहां पर आप अलग अलग एंगल्स पे इस तरफ से लेके यहां तक आप इस इतने एंगल्स के बीच में इसको होल्ड कर सकते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ये अपनी पोजीशन पे आता है नीचे हमारे पास में एक कंप्लीट सॉलिड बेस मिलता है विच इज वेरी स्टर्डी और इसको आपको एक मतलब स्टेबल पूरा फिनिश देगा जब आपने इसको इस पे रखा है तो आपको पता है कि yes, पीछे अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स की सेटअप इज तो यहाँ पे हमारे पास में चार पोर्ट्स जिसमें से अगेन uh, दिखने में आपको सारे यूएसबी सी वाले मिलेंगे बट जो दो पोर्ट्स हैं वो हमारे पास में थंड्रो बोल्ट फोर को सपोर्ट करने वाले हैं और जो दो पोर्ट्स हैं वो यूएसबी एस फोर के साथ में आते हैं तो मतलब एक कंप्लीट आपको पैकेज मिलता है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारे पास में इसका सिंपल एक पावर बटन है एंड वी हैव वन मोर थिंग विच इज वेरी स्पेशल इट्स ऑन दिस साइड हेडफोन जैक यस इसमें हेडफोन जैक हमको मिलता है एंड एप्पल वॉज वेरी स्मार्ट इन अ वे बिकॉज Uh, एक तरीके से एक ऐसी चीज को इंक्लूड किया जो कि नॉर्मली आप नहीं देखेंगे विच इज कि अगर मैं इस पावर केबल को खींचूं, यहां पे आपको ये जो पूरा मिल रहा है ना बीच में ब्रिक, इसी में आपको एक इथरनेट पोर्ट मिल रहा है तो मतलब यू कैन कनेक्ट यूर इथरनेट केबल डायरेक्टली यहीं पे ही केबल मैनेजमेंट के लिए काफी आसान हो जाता है दूसरी बात आपको इतने स्लीक प्रोफाइल में भी इथरनेट का ऑप्शन एपल ने दिया है यहाँ पर हमारे पास में एक फुल एच डी

कोई बात नहीं सर आप लिख के दे दो मेरी तरफ से नाम डन है ना एप्पल अपने डिजाइन में इतना स्मार्ट है ना कि यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक प्रॉपर ग्रिल मिलती है फॉर कूलिंग तो मतलब यहाँ पे अंदर जो फैन सिस्टम है वो बड़े आराम से एफिशिएंटली काम करता है अंडर हैवी लोड एंड स्पीकिंग ऑफ हैवी लोड यहाँ पे जो M3 चिप है इट इज डिजाइंड फॉर एवरीथिंग दैट यू माइट थ्रो एट इट हमारे पास में एट कोर सीपीयू टेन कोर जीपीयू है और इसके साथ में है एक सिक्सटीन कोर का ड्यूडल इंजन हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेट रेसिंग का ऑप्शन है मैश शेडिंग का ऑप्शन है डायनेमिक कैशिंग का ऑप्शन है तो मतलब गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी या अगर आप यू नो कोडिंग कर रहे हैं आप कुछ वीडियोस वगैरह को एडिट कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है एम थ्री के साथ में इट इज फिनॉमिनल आप जो है वो इसको एक प्रॉपर मशीन की तरह यूज कर सकते हैं एम एन पीपल हु प्रेफर अ डेस्कटॉप सिस्टम और फॉर अ फैक्ट बिकॉज यहाँ पे आपको फैंस मिलते हैं तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस आपको और अच्छी मिलने वाली है विद एन आई मैक काइंड ऑफ एन ऑफरिंग और इतना स्लीक है कलर जो है वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स तो आपको बहुत uh, अच्छा मजा मिलेगा इसके अंदर डेफिनेटली और यहाँ पे अब अगर आप देखें कुछ बेंच या अगर आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो अलग अलग सिनारियोज में आप इसको यूज कर सकते हैं यू कैन क्लियरली गेट एन आइडिया कि ये कहां कहां पे कैसे कैसे फिट हो सकता है अगर आपका वर्क एनवायरमेंट है अगर आपको इस पर स्टडीज करनी है या अगर आपको कुछ कैजुअल गेमिंग करनी है लेकिन साथ साथ आपको वीडियो वगैरह एडिट भी करनी है तो यू कैन डू ऑल ऑन दिस इमरसिव ट्वेंटी फोर इंच स्क्रीन काफी अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन है एट द सेम टाइम

सेवन थाउजेंड रुपीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी आपने देखा मेरे ख्याल से दिस आईमाक इज अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर मल्टीपल रीजन स्टूडेंट्स कैन यूज इट एडिटर्स जो है वो इसको यूज कर सकते हैं यू नो कैजल यूजर्स या जिनको घर में एक डेस्कटॉप एन्वायरमेंट चाहिए होता है समटाइम्स यू डोंट प्रीफर अ लैपटॉप आपको एक प्रॉपर कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करने में मजा आता है मेरे ख्याल से इट हैज एवरी थिंग फॉर यू नो यू टू एंजॉय एंड डू ऑल योर टास्क तो यह था गाइज एप्पल का आई मैक आप बताओगे आपको वीडियो कैसा लगा मैं और जल्दी जल्दी तो आपके लिए लेके आने वाला हूं नए वाले मैकबुक्स के बारे में भी वी माइट डू अ कंपैरिजन एज वेल काफी मजा आएगा उसमें फिलहाल में इतना ही जय हिंद वंदे मातरम